नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशखबरी वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। भारत और नेपाल के रिश्तों में सुधार आने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत तीन सांस्कृतिक धरोहरों के जीर्णोद्वार के लिए यहाँ पे नेपाल को 142 करोड़ रुपये की रकम देने वाला है। यहाँ दोस्तों ये खबर किन धरोहरों के बारे में बात कर रही है, कौन से तीन वो धरोहर हैं सांस्कृतिक धरोहर, तो उसकी पूरी हम चर्चा करेंगे और भारत इनके लिए पैसा क्यों दे रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत है वो काफी पिछले दिनों से यही प्रयत्न कर रहा है कि किसी न किसी तरह से भारत और नेपाल के संबंध है वो पहले जैसे हो। इसी की कड़ी में यहाँ पे भारत ने नेपाल की धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की तीन इमारतों के जीर्णोद्वार के लिए 142 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए। पड़ोसी देश नेपाल में वर्ष 2015 में आई विनाशकारी भूकंप में धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनके पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने भारत के 8 जिलों की 28 इमारतों को अनुदान प्रदान करने की घोषणा करी है। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि नेपाल की ये ऐतिहासिक महत्व की इमारतें जिनके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी है वो भारतीय निर्माण कंपनी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड या कल्चर हेरिटेज यानी कि ईटेक को दे दी गई है। इसी के अनुपालना में शुक्रवार को तीन ऐतिहासिक इमारतों में जीर्णोद्वार के लिए 142 करोड़ नेपाली रुपये का समझौता भारत और नेपाली अधिकारियों के बीच कर लिया गया, जिसमें नेपाल की तरफ से पुनर्निर्माण प्राधिकरण व भारत की तरफ से नेपाल सहित भारतीय राजदूत के इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के उत्तराधिकारी शामिल रहे हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि भारत के द्वारा नेपाल को दी गई ये सहायता किस मंदिर के लिए कितनी रहेगी। समझौते के तहत काठमांडू सहित सेतो मस्तेंद्रनाथ मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगभग 62 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं और ललितपुर स्थित पटना दरबार यानी कि सक्वायर मंदिर के लिए 45 करोड़ 60 लाख और काठमांडू स्थित बुड्ढा नीलकंठ में धर्मशाला निर्माण के लिए लगभग 33 करोड़ 40 लाख रुपए यहां पे सहयोग के रूप में प्रदान किए गए हैं। जी हां दोस्तों, ये राशि कहीं न कहीं नेपाल के इन मंदिरों के जो निर्माण में तो सहायता करेगी करेगी, लेकिन उसके अलावा जो इनसाइड हम इसके पर्पस देखें तो यहां पे जो नेपाल और भारत के संबंध हैं उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि पिछले दिनों से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हैं जैसे रेल का चलना है, जो भारत से काठमांडू के लिए सीधी रेल दी गई है, उसके बाद में यहाँ पे सड़क निर्माण की बात कर लें तो सड़क निर्माण किया गया है सीमा पर है। और इसके अलावा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था, वो भी दोनों देशों को साथ मिलाकर किया गया था, और अभी ये जो निर्णय लिया जा रहा है इन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी नेपाल और भारत के जो रिलेशन है वो पहले जैसे हों, पहले जैसा भाईचारा आए और पहले जैसे रहन सहन हो, जिस प्रकार से पहले लोग काम करते थे उसी प्रकार से समझौते के साथ काम हो, ताकि हमारा जो आगे आने वाला डेवलपमेंट है और हमारी जो कार्यकारिणी है वो अच्छे से चल सके, विकसित देश जल्दी से बन सके, यानी कि विकास से विकसित होने की जो सीढ़ी है उसमें हमारे जो पड़ोसी हैं उनका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक नेपाल जैसे देश का सहयोग होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल हमेशा यहाँ पे भारत के साथ खड़ा रहा है कंधे से कंधा जोड़कर, चाहे वो किसी भी युद्ध की बात हो चाहे वो किसी विकट परिस्थिति की बात हो। तो यहाँ पे भारत और नेपाल का रिलेशन दोबारा से बनाना एक अच्छा मींस है, तो यहाँ पे करना भी अच्छा है ये। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये थी पूरी खबर। खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।